सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। समर ब्रेक फाइनली ओवर होने वाला है। गोइंग बैक टू कॉलेज ऑन 23rd, लाइक 22nd 23rd को कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो आई विल बी गोइंग ऑन 23rd। उसके लिए आई हैव टू पैक माई बैग्स वापस से पैकिंग। लाइक भाई इतना हेक्टिक है ना ये। एक तो हर सेमेस्टर के बाद घर आओ, मतलब घर आना इज नॉट हेक्टिक, मतलब देंगे सामान, सारे सामान लेके पहले वापस घर आओ, देन वापस से पैकिंग करो, देन सब कुछ। चलो जो भी है, लेट इट बी। एंड ऑल्सो एक चीज़ और है, नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ एक बैग में मैं अपने हिसाब से पैकिंग कर लेती हूँ, बट दिस टाइम द थिंग इज अभी जाएंगे हम। सो पहले एक हॉस्टल मिलेगा, बाद में एक महीने बाद मेरे को वहाँ से भी शिफ्ट करना है, तो खुद को ही करना पड़ेगा, वो भी सामान लेके लगाया फिर हटाना। तो पैकिंग थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कि आई वॉज थिंकिंग कि आई पैक ऐसे कि मेरे को एक बैग से ज़्यादा खोलना ही ना पड़े और एक मैं अनपैक ही ना करूँ, तो जब एक महीने बाद शिफ्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। सो जो भी है, मैं लास्ट सेम जब कॉलेज से वापस आई थी तो मेरे पिछले सेम के लाइक विंटर सर्दियों के कपड़े, विंटर क्लोथिंग अभी तक किसी के अंदर ही पड़े हैं। भाई ये सब हटाना है, सबको भी कहीं रखना पड़ेगा, एंड देन इसको फिर से नेक्स्ट सेम के कपड़ों से भरेंगे। सो द थिंग इज, दिस टाइम इफ आई एम गोइंग, तो मैं अब सीधा दिवाली पे वापस आने वाली हूँ। लाइक दिवाली ब्रेक विल बी द टाइम व्हेन आई विल कम होम वापस। उसका मेरी पैकिंग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस बार राखी भी नहीं होंगी, राखी पे भी मैं रक्षाबंधन पे भी यहाँ पे नहीं होंगी, लाइक घर पे। एंड और भी बीच में जो जो लाइक फेस्टिवल्स वगैरह होंगे, आई विल नॉट बी हेयर। थोड़ा बुरा लग रहा है यार। देखो जब मैं घर वापस आई थी लाइक फॉर समर ब्रेक, तो स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं लग रहा था। लाइक कॉलेज में आपके पास बहुत कुछ होता है करने को, है ना, टाइम पास बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। बट तो स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि लाइक मैं बोर हो रही हूँ। बट अब इतने टाइम बाद, लाइक एक वन एंड हाफ मंथ तो नहीं, लाइक हाँ 1 month 10 days अराउंड हो गया मुझे घर पे। तो थिंग इज अब ऐसे लग रहा है भाई मुझे नहीं जाना, मेरे को आदत हो गई है यहाँ पे ऐसे चिल एनवायरनमेंट की, अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से सब कुछ। बुरा लग रहा है थोड़ा। सो आई हैव डिसाइडेड आई विल पुट ऑल द स्टफ जो मुझे फर्स्ट मंथ के लिए लाइक रेगुलरली चाहिए दिस बैग, एंड बाकी सब बैग सामान जो मेरे को इतना जरूरी नहीं है आई गेस, वो इसमें डाल दूंगी ताकि नेक्स्ट मंथ तक सेफ पड़ा रहे। आई विल पुट ऑल माई क्लोथ्स जो मुझे पहनने हैं लाइक फॉर फर्स्ट मंथ नेसेसरी, फॉर फर्स्ट मंथ नहीं, जो हाँ मतलब बेसिकली पहनती हूँ, टू बी इन दैट बैग, बाकी सारे सामान के साथ जो थोड़ा इतना लाइक एक महीने जिसके बिना काम चल सकता है वो यहाँ इसमें डाल दूंगी ताकि मुझे एक महीने बाद इसको वापस से पैक ना करना पड़े। रंग बिरंगा लग रहा है, पहले बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग की गई है नीचे गई से ऊपर, बस फिर क्योंकि लाइक कपड़े मैंने एक वन मंथ के अकॉर्डिंग करके ऑलमोस्ट क्लोज इस साइड आ गए। इधर मैं रख लूँगी एसेंशियल जो कि मुझे चाहिए होंगे। सो दिस बैग विल बी मोर देन इनफ फॉर 1 month सर्वाइवल।
पैकिंग करने से पहले अच्छा लग रहा होता है सोच के कि पैक करना है, बट जब करने लगो तो बहुत थकावट होती है. आई थिंक इस इतना जो मैंने मतलब मैं दिखा भी नहीं सकती इतना मैं फैला चुकी हूँ अभी. आई वॉज थिंकिंग इस बैग में सब कुछ आ जाएगा जो जो मुझे चाहिए, बट मेरे शूज़ अभी बाहर पड़े हैं, मेरे स्लीपर्स, बाथरूम स्लीपर्स सब बाहर पड़ा है. सो काफ़ी क्योस मचा दिया मैंने. सो अभी इसको समेटने में टाइम लगेगा. Done with half of my packing. अब बचा है बाकी सब जो इसमें पैक हो गया, उसके अलावा जो बचा है वो ग्रीन बैग में डाल देंगे. एंड थोड़ा सा फूड स्टॉक रखना है बाकी. Got to go. बहुत ज्यादा मैसा हो चुका है. आई होप आपको ना दिख रहा हो भाई क्या भर दिया मैंने इसमें. नेक्स्ट बैग पैक करते हैं. सो इसमें बचे हुए क्लोथ्स लाइक इंडियन वेयर, ड्रेसेस या जो भी अब मैंने पैक करना है, गिफ्ट्स या जो भी रूम में डेकोर के लिए. तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग में एक मंथ के लिए ट्रांजिशन पीरियड के लिए टेम्प्रेरी हॉस्टल मिल रहा है. सो उसको तो क्यों ही डेकोरेट करना है, उसको क्यों ही सेटअप करना है ढंग से, उसमें तो टेम्प्रेरीली रहना है. तो इस सारे बैग में हम डालेंगे ऑल द स्टफ जो मुझे अपने रूम में लगाने के लिए साथ लेके जाना है. कई लोग क्रिंज कर देंगे बट ठीक है, स्टिल BTS स्टफ, BTS की जो पिक्चर्स वगैरह मेरे को लगानी है, पोस्टर्स हैं, और उसके अलावा आई गॉट सम गिफ्ट्स लाइक हाँ जो आज तक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कभी दिए हैं, मतलब अनन्या मानी या जो भी जिन्होंने भी दिया वो सब लेके जाएंगे. आई पुट इट इन माई न्यू, दिस वॉज द गिफ्ट जो मालवी ने मुझे दिया था, ड्रीम कैचर है, बहुत ही प्रिटी. मैंने खुद ही पसंद किया था क्योंकि हम CP घूमने गए थे कनॉट प्लेस, एंड वहाँ पे मैंने उसको मेरे को लगा वो अपने लिए ले रही है, चलो जो भी हम CP घूमने गए थे तो वहाँ से लिया था. शी गिफ्टेड मी दिस, दिस इज सो प्रिटी, ये मैं अपने हॉस्टल रूम में लगाऊंगी. एंड ऑल्सो इस ये अभी अभी वाले ये सब रखना है. ऑल्सो दिस इज अ फोटो फ्रेम जो मेरी मम्मी और मेरा है, मतलब ये गिफ्ट नहीं है बट ये मेरे को रूम में लगाना है. सो ये भी रखेंगे. दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट, मानवी ने दिया था ये जर्नल है BTS से रिलेटेड एंड अपने से रिलेटेड. ये अनन्या ने रिसेंटली मुझे दिया था, इसको मैंने अभी खोला नहीं है, इसकी इसकी पैकिंग नहीं उतारी है, सीधा कॉलेज जाके उतारेंगे. हाँ भगवान जी भी पैक कर लिए हमने. एंड इसमें भी गिफ्ट है एक ऑल इन ऑल सारे जो जो रूम डेकोर का सामान है. दिस इज अ पोस्टर जो मैं ये मेरे पास तब से है जब मैं 12th में थी. मेरे को ये मतलब मैं जिस पुराने हॉस्टल में थी वहाँ पे हमारे रूम में लग रहा था ये जब मैंने छोड़ा था. ये अनन्या का था तो उसने मुझे दे दिया था. सो यस ये फर्स्ट ईयर में भी पूरा टाइम मेरे साथ ही था. ये सब कुछ हम पैक करेंगे एंड शूज़ वगैरह भी मैं इसी बैग में डाल रही हूँ, बाद में वहाँ जाके निकाल लेंगे. अब क्या ही प्रॉब्लम है यार, आई गेस शूज़ के लिए स्पेस ही नहीं बचेगी. लेजिट मैंने सोचा था इसमें एक्स्ट्रा सामान रहेगा बट ये बैग भी भर चुका है, एक तीसरा बैग बनाना पड़ेगा. आई एम डन भाई, आई एम सो डन, पैकिंग कर करके थक गई हूँ मैं. ऑलमोस्ट डन विद दिस बैग टू. अब थोड़ा खाने पीने का या जो भी सामान बचा है वो आएगा, तभी हो सकती है बाकी की पैकिंग. अभी के लिए गुड टू गो. क्यों हंस रहे हो? हाय हाय. सो ये सब मम्मा के मैंने व्लॉग में आई गेस कभी बताया है कि नहीं, बट मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है. सो ये मम्मी के स्कूल में पढ़ते हैं सब लोग. हम तो सब्सक्राइबर हैं. नाम बता दो एक एक करके सब. भास्कर. अच्छा तुम्हारी टीचर, तुम्हारी मैम बोल रही इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो. कूल बोलो. माय नेम इज लव. माय नेम इज भास्कर. माय नेम इज परी. माय नेम इज कैट. माय नेम इज यश. माय नेम इज चेतन. हाय एवरीवन. हाय. अच्छा सो एक साल पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था है ना, तो मम्मी हर चैनल मतलब मेरी वीडियोस की स्टोरीज डालती थी, तो इन्होंने चैनल वहाँ से देखा हुआ है. हाँ. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कैमरामैन की आप आ गया हो. बताओ कुछ अपने बारे में. तो मैं दो दिन में अभी आज टुडे इज 21st राइट. सो आज 21st है, 23rd को मैं वापस जा रही हूँ. तो नक्श तुमसे वैसे कैमरा पे तुमसे कुछ नहीं बोला जा रहा, पीछे से तुम बहुत बातें कर रहे हो. इधर आओ तुम. अच्छा तो तुम लोग स्पेशली मिलने आए हो, अब कुछ कंटेंट दो भाई, कुछ करके दिखाओ, गाना वाना सुनाओ, कुछ तो करो.
ऐसे कैसे फेमस हो गए तुम? इसका नाम क्या था? मैं नाम भूल गई, भास्कर राइट? भास्कर कैसे फेमस हो गए फिर? कुछ तो करो, इंस्टा पे रील बना के इंट्रोडक्शन दो एक एक करके, लाइक प्रॉपर अपनी हॉबीज वगैरह इंग्लिश में। माय नेम इज भास्कर, मेरी हॉबी है, मैं है ना स्कूल में सबको परेशान करती हूँ। मॉनिटर कैसे बना दिया, लेकिन मैं मॉनिटर हूँ अपनी क्लास के। माय नेम इज लव, मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, पर मैं भी क्लास का मॉनिटर हूँ। ये सारी मॉनिटर गैंग आई है क्या घर पे? हम दोनों मॉनिटर है क्लास के। ओह माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बीएफएफ। वीडियो पे है ना, जा रहे थे ना तब इधर दिखा के, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। एक और एक आपकी वो वीडियो थी ड्राइविंग, मैं ये देख रहा था। हां ड्राइविंग, एक और ड्राइविंग वाली थी ना, आप ड्राइविंग सीख रहे थे मेरे साथ? अच्छा, बहुत दिन के बाद सीखे थे आप है ना। मैम बगल में थे, मैम बगल में। अच्छा, मेरे को देख के ज्यादा एक्साइट खुशी हुई कि अपनी मैम को देख के ज्यादा खुशी हुई? मैम चाहती हूं मैं, मैम ने आपको वो आपके पास मिला, अरे क्या आपके पास मैम हमको लेके आई। तो मैं अभी जा रही हूँ ग्रोसरीज लेने। ग्रोसरीज तो क्या, लाइक जो भी असेंशियल्स थोड़े बहुत मेरे पास नहीं है उसको रीस्टॉक करेंगे, रिलायंस जाऊंगी। सो यस, लेट मी गो। खाने वगैरह का सामान, फूड स्टॉक आई गेस बहुत कम लोग लाते हैं कैंपस में, बट मैं लाती हूँ क्योंकि मैं एक भूखा इंसान हूँ जिसे रात को कभी भी भूख लग सकती है, एंड मुझे चाहिए होता है कि मेरे पास खाने को चीज़ें हों। जाना यहाँ है बट ट्रेंड्स के कूपन। कॉलेज की शॉप में, कॉलेज की शॉपिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और अच्छा ये किड्स कलेक्शन है। यहाँ आके मेरा फिर मन कर गया। शुड आई ऑफिशियली डू अ कमर्शियल या प्रमोशन फॉर गार्नियर, क्योंकि मैं पिछले एक साल से इन्हीं के फेस के यूज़ कर रही हूँ सेरम मास्क। ये एक तो आई हेट दिस थिंग, ये सीधे क्यों नहीं चलती है ट्रॉली? आई कैन कंट्रोल दिस विद वन ऑफ माय हैंड। बडवाइजर पीस इन एज यू ड्रिंक, द हेल इज बडवाइजर हियर? भाई मैंगो जूस पड़े हैं यहाँ पे सारे, लिख जूसेस, बडवाइजर है ही नहीं। मैं ग्रोसरी लेने आई थी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ऊपर जाके अपने लिए टी शर्ट्स ले कपड़े भी ले चुकी हूँ ट्रेंड से। अब सामान लेंगे हम अपने लिए। पहले मैं और मम्मा आए थे, एंड बैकअप कनिष्क भी आ चुका है हमारे साथ टाइम पास करने। हाइड एंड सीक माय लव, हाउ कैन आई सर्वाइव विदाउट यू ब्रो? इट्स द डे 23rd, I'll be leaving the hostel office. जा रही हूँ मैं। Don't miss me, okay? So it's almost 3 p.m. अभी हम lunch करने के लिए रुके हैं। अभी हम सुन मेरा नी रानी।